सोहेल रवाना हुए हैं, शॉट खेले हैं बैकफुट और फील्डर मौजूद रन मिलेंगे। एक देखिए अनाउंसमेंट आ चुकी है हाफ हाउस आउट के लिए, विहान नाइन दुबई ग्रुप हाफ हाउस पोला वर्सेस उसाम अली सियालकोट बिगेस्ट मैच ऑफ द टेबल। कब सियालकोट, सियालकोट कब का सबसे बड़ा मुकाबला, गेयर ऑन टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला है। हर अगला गेंद सकी अच्छे बल्लेबाज शॉट करना चाह रहे थे, उमदा गेंद राय साहब वन फॉर द ओवर बता रहे हैं अमर सोहेल को। दूसरा गेंद इस पर नहीं कर सकते, दूसरा गेंद यहाँ अगर यहाँ पर करेंगे तो वो यहाँ तो नो बॉल होगा या फिर जी हाँ नो बॉल होगा। साजिद सजी सैड थोड़ी नीवी कर यार, टेढ़ा मोबाइल सजी सैड नीवी कर थोड़ी, हाँ थोल की जी। अगला गेंद शॉट खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, कोई खतरा नहीं, सिंगल आएगा सुल्तान राय सामने। तमाम दोस्तों की एक बार वीडियो शेयर कर दें, वीडियो शेयर कर दें। शाह जी क्या सीन है इस मैच का, मैं सवील भाई कैसे हैं, बकर भाई कैसे हैं, शहजाद बाजो भाई। सीन ये है जो टीम हारेगी टूर्नामेंट से आउट है, टू और टाइम मुकाबला है दोनों टीम्स के लिए। अगला गेंद हाफिज बोला सुल्तान राय ऑफ टेबल आमर सोहेल शॉट का, गेंद डीप फाइल लग की जान गई है। मोहम्मद फहीम भाई वेलकम करते हैं, मलिक चांद भाई वेलकम करते हैं, सुहेब भाई वेलकम, फाद भाई वेलकम और मोहम्मद फहीम अबासी बकर भाई मैं सबीर भाई इंशाल्लाह उसामा कह रहे हैं विन करेगा। यार एक एक बार वीडियो को शेयर करते हैं, यार एक एक बार शेयर करना है। पांच गेंदे सिर्फ तीन नजदीक अब तक आमिर सुहेल ने बड़ी शानदार बॉलिंग आपने अगर मैच को विन करना क्योंकि लामा खतरा अगर मैच चल गया। अगला गेंद शॉट खेल दिया है, पहला चेकअप एक ओवर नवरोज मुकम्मल, ज्यादा महंगा ओवर नहीं, बेहतरीन ओवर वहां पर अमर सोहेल का। एमएमटी दुबई ग्रुप पहले ओवर में ज्यादा कुछ नहीं कर सकी, पहला ओवर रन आया नौ, अब्दुल्ला अच्छे बॉलर हैं, एमएमटी दुबई बिना नुकसान पे खेल रही है, अब्दुल्ला पे सारी जिम्मेदारी अगर हाफिज बोला का बैल चलेगा। सकी आखिरी बॉल पे छह रन खेल गए इंशाल्लाह इस इनिंग के बाद सनी जूनियर को से महदपुरा अब्दुल्ला अगर अंडर टर्न ओवर करता है 2000 रुपये की लॉस में डर गई है, 2000 रुपया एक ओवर नौ रन। अब्दुल्ला कैच फ्रॉम सियालकोट, पहला ओवर अच्छा सामने सुल्तान राही नौ रन बने, एमएमटी दुबई ग्रुप सामने अलामा रेवन शॉट सुल्तान राही ऑन हिज वे,
15 रन आ चुके, 7 गेंदों पर 2-1 मुकाबला है। और आपको बता दूं कि ये उस्साम अली से मुकाबला है, उस्साम अली के लिए बड़ा टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगला गेंद जी, बॉलर एक बार फिर से अब्दुल्ला अगेन शॉट किया है, किनारा लगा सुल्तान राही, पवेलियन वापस लौट जाएंगे। अब्दुल्ला का बड़ा शानदार बॉल, चेंज ऑफ पेस, एक्सलेंट बॉलिंग फ्रॉम अब्दुल्ला। ਸਾਮੋ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਾਮਾ ਲਾਮਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਮੋਟਰ ਤੇ ਚੜ ਗਈ 500 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸਾਮਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਾਦੀ ਪਾਚਵਾ ਅਗਨੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫਾਦੀ ਪਾਚਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੱਡ ਲੈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਦੋ ਬਈ ਅਤੁਲਾ ਇੱਕ ਚੱਕ ਲਗਾ ਦੋ ਕਬ ਦੇ ਕਰਕੇ अब जो टीम जीतेगी वो चाहिए सब फादी बाजवा नए आने वाले बल्लेबाज, बड़ा इम्तिहान है फादी बाजवा का, देखते हैं आज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। फादी बाजवा के लिए हीरो बनने का मौका है। चार रन चाहिए था, मलिक यूसुफ तलवाड़ा कमाल की बैटिंग, डिसेंट बॉल्स बैट, पहली ऐसी टीम इस पूल में जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई है। इसके बाद जो पूल हो रहा है वो तगड़ा मुकाबला, वो मैच देखने वाले होने में, क्योंकि वो मैच तीनों ही टीम आपको लड़न दी है, तीनों ही टीम, क्योंकि बहुबला की बाहर टीम है जी दो मैच अपने जीत गई है, इतनी जड़िया तीन टीम ने एक एक जीत। उसामा, अरे उसामा मैच अगो शुरू हो रहा है, ऐसा ही नहीं शुरू हो रहा है, शुरू सही नहीं है। इतनी बात है, अगलिया टीम खड़ी हो या टॉस से, ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं है। मैं दुकान पे रखने तां पूछना पया, ले दोस्तों आए अब्दुल्ला, ओ क्लियर हिम अप, गुड बॉय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, इट इज वेरी बेस्ट। ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰੁਪਿਆ ਅਲੀ ਭਾਈ ਸ਼ਿਆਲਕੋਟ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਾਸਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੋਟ ਸਪੀਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਉਤਲੀ ਜਾਵੇ, ਸਨੀ ਭਾਈ ਅਲੀ 2000 ਰੁਪਈਆ, ਅਲੀ ਭਾਈ ਅਲੀ 2000 ਰੁਪਈਆ, ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਾਤੀ, ਚੌਧਰੀ ਮਨਾਨ ਟੋਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਲ ਤੇ ਅਟਰੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਸ ਮਿਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਯੰਗ ਬਲੈਕ, ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਲੀ ਕਰ ਰਹੀ, 2-4 ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਬੁੱਧਾ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਮਾਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਮਾਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਗੇਂਦ ਸ਼ਾਟ ਖੇਲਾ, गेंद जा रही है डीप, बैकवर्ड स्कोर लग पे, एक और विकेट यहां पर चलता किया, बड़ी मुश्किल में एमएमटी दुबई ग्रुप आ चुकी है, लेकिन सकी अभी भी मौजूद हैं पिछले मैच के हीरो। पोल आउट हो गए इजाज भाई, अब्दुल्ला उसके 200 रुपया, अब्दुल्ला ने अटैक की थी सैयद अली बच्चा, लाभा लेवन डोनर अली शाह साहब वाले, अब्दुल्ला ने अटैक की थी 2000 रुपया, चौधरी अब्दुल्ला लौटी 10000 रुपया, शनि भाई अलू 2000 रुपया, अली भाई सियालकोट हादी के स्पॉन्सर जिन्होंने हादी को इस मकान के इस प्लेटफॉर्म पर लैन दिया कि बच्चा इंशाला जल्दी तो जल्दी हादी ऑल पाकिस्तान इंशाला खेलेगा। ले दोस्तों खिजर, पिछले मैच के हीरो थे ये भी, चक्का लगाकर मैच फिनिश किया था, बड़ा इम्तिहान है इस बार हिजर का। अब्दुल्ला सामने शॉट,
He's a he can bat. Amam Tid Bhai group. इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी ये टीम. दूसरा ओवर है, ये कुछ कह नहीं सकते. दो छक्के आ चुके हैं इस ओवर में. सच्चा पक्का सच्चा सफाई अगला गेंद. लुक एट दैट स्पेक्टेकुलर फ्रॉम खजर. वेल डन यंग मैन. यार क्या खूबसूरत शॉट खेला है. खतरा के बॉलर हैं ये है टैलेंट. हाँ दिया लुट कुतराई है अली भाई यारू चोरी यारू साउंड है. हाँ दी दस हजार भैया चौधरी अपन नाम अभी 10,000 भैया. नहीं नहीं किधर यारू है. ओके 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 अली भाई यारू 2,000 भैया जी अनाउंसमेंट है क्या. ये अली भाई की तरफ से 2,000 जो अनाउंसमेंट थी वो पैसे दे दिए गए हैं अब्दुल्ला भाई. अच्छा उसने टर्न ओवर ही पंडा टर्न ही हो गया जिन्हें विकेट आ गया. सनी का लाल बच गया चोरी वालों भी लाल है. उधर सनी ये तो जिला तेरे को कहते नहीं उधर ये सारा ये दिया है. अजय भी टॉक फोटो दिया है. सत्ताईस रन से दो ओवर जी सामना करेंगे आमिर सोहेल का. शॉट खेल दिया 6 रन मिल जाएंगे. सकी अच्छी फॉर्म में है. एमएमटी दुबई ग्रुप को लीड कर रहे हैं इस वक्त और उसका भरपूर अमली मुजाहरा कर रहे हैं जकी राजपूत. हर शॉट हर छक्के थे कौन से भैया उत्तर ये सामा की क्लास होनी है. ये भाई फैसला होना है. सामा पांच आ गया तो फाइनल किसे गल नहीं जान देगा. अगर सामा पांच आ गया ये धरती एक जकी अगेन याद रखेगी. जकी लुक एट दैट माइल्स अवे फ्रॉम द ग्राउंड. न्यू बॉल प्लीज. एक से बढ़कर एक शॉट जकी राजपूत. व्हाट अ टैलेंट फ्रॉम सियालकोट. एक्सीलेंट. अगला गेंद. आमिर शॉट अगेन सिक्स अगेन. इस बार भी एक सच्चाई गिनती कीजिए. डीप बैक वॉश को लकी जाने पर खूबसूरत शॉट सिलेक्शन वहां पर जकी. वाह यकीन करो मोटरसाइकिल राती नेरी होए तूफान होए शहजादा ने उम्मीद करना वापस. अगला गेंद शॉट खेल दिया गेंद हवा में. फील्डर नीचे है. एक दो फील्डर उसाम अली. Yes, sir. Zakir Rajput at his very best.
अगला गेंद आमिर शॉट कर रहा है, गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन पे, फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं, चार रन। लान आ गया जी, लान सकी अगर पंजा करते चौधरी अदन मनान चौधरी अदब नान सकी वास्ते 5,000 रुपया हिजर दे हर छक्के चौधरी अलू हर छक्का 1,000 हाजी अलू अली भाई अलू 1,000 30,000 कमाल है यार। रन किन्ना हो गया भाई 55 रन 10 ओवर तीन ओवर 57 जी। हेलो खराब गेंद था, फायदा नहीं उठा पाए, कुछ नहीं अपने आप से वहां पर खजर। अगर 80-90-110 करेगी क्योंकि सामा अगर चल गया फिर ओदी बैटिंग ओदियां शॉटां और ग्राउंड मिट्टी ही कैन बैट खेजर। वाह यार, पिछला जो मुकाबला हुआ है उसमें 6-4 रन चाहिए थे आखिरी गेंद पर, जो शॉट लगाया तो पता चल गया था कि जकी बल्लेबाजी खिजर बल्लेबाजी कर सकते हैं। जकी का फैसला मलिक शान ने किया ही उठे जाके, मलिक शान दुबई जाके शारजा जाके उन्हें के जकी चाहिए कुछ नहीं लबे या ना लबे। अगला गेंद शॉट खेलना चाह रहे थे, वाइड बॉल का इशारा वहां पर डॉक्टर अफजाल बता रहे वाइड बॉल है। उम्दा गेंद गुड लेंथ बॉल शेपिंग अवे तगड़ी कर गया, बॉल तगड़ी कर गया, पैर की मिट्टी नहीं छगनी इस मैच में, पैर की मिट्टी नहीं छगनी, पानी पीना तो पी लो, पानी पीना तो पी लो क्योंकि सामा की क्लास बाकी है। आइए तक सामा 3 मैच बिल्कुल ही लंबा ही पै रहा है और जागना पड़ेगा सामा को, बूटी पीनी पड़ेगी बदाम पीने पैन दे लाभा लेवल को मोटिवेट करने वास्ते सामा। अगला गेंद अकील शॉट खेला है, गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑफ पे, अच्छा ओवर अब तक यहाँ पर अकील अकील लेफ्टी का फैसला बाकी मैच जिन्हें जितने उन्हें जाने सेमीफाइनल। चौथे ओवर का खेल जा रही है, 57 आए थे 3 ओवर में। मेरा नाम वकार शाह जी, जैनी का मैच अभी बाकी है, आज होगा जैनी का मैच मेरा। लाइव चल रहा है सिंगल आजेगा। उम्दा गेंदबाजी वहां पर रखी लेफ्ट की, सात बाला ने फैसला बाकी है स्कोर कितना करना है, एमएमटी दुबई ने स्कोर कितना करना है फैसला बाकी है। आ बाल 6-8 रन अकेल करेगा बाल। ओवर मुकम्मल, एक्सीलेंट बॉल यार, बड़ी उम्दा गेंद, यहाँ पर फंस रहे हैं, यहाँ पर फंस रहे हैं
खिजर चौथा ओवर अच्छा किया है, रन देखते हैं जी 57 थे, इसका मतलब ये है कि 66 बना है जी, 66 बना है चार ओवर में, आखिरी छह गेंद बाकी। अगर सामा चल जाता तो कैसे बचता, फिर जरूरत नहीं पैनी ना आमर सेल की ना गुलाम मलिक की, क्योंकि सारी उम्मीद ही सारी सामा पे है। सामा का बैट चलना है तो लामा लेवन मोटरवे पे चलना है, ऐसे नहीं चलेगी क्योंकि सामा के बगैर लामा लेवन दूरी है, कलिया छड़ना नहीं पैना। आखिरी ओवर सकी बचिया, रन बन गया छियाठ रन बन गया, तीन छक्के 2000 रुपया 66 जी, तीन छक्के 2000 रुपया शॉट खेल लिया, पहली गेंद पहला हवाई हमला, गेंद डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से हवा से मैं भी गुफ्तगू है, 6 रन के लिए। चौरी साहब 7 रन आ गया, जकी का 7 रन आ गया, 72 बोर्ड पर है आखिरी 5 गेंदे। अगर 50 करता 5000 रुपए की रोशनी आ गई, अगर 2 छक्के और मारता लगातार मौसम में इंजीनियर मौसम में पूरा 2000 रुपए की रोशनी आ गई है। आए आहा यार क्या कहा जाए, एक से बढ़कर एक शॉट, शॉर्ट बॉल करेंगे तो ग्राउंड से बाहर, फुल नच करेंगे, स्लोर रन करेंगे, हर तरफ शो खेल रहे हैं वहां पर जकी राजपूत, एक्सलेंट बैटिंग, न्यू टैलेंट फ्रॉम सियालकोट। लेफ्टी बल्लेबाज की पाकिस्तान में किल्लत रहती है, एक और वाह, गोइंग स्पेक्टेकुलर, 10 आउट ऑफ 10 जकी राजपूत, तेरे क्या कहने। वाह वाह टैलेंट, टैलेंट फ्रॉम सियालकोट क्रिकेट। वाह यार वाह, मलिक जी कितने गए हो, मलिक शान साहब अगला गेंद शॉट अगेन, सिक्स अगेन, वंडरफुल फ्रॉम सकी अहमद राजपूत, इस पर डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से बिल्कुल तीर की तरह सीधा, गोली की तरह तेज। हाँ जी हाँ जी हाँ सही, दोस्तों 6 छक्के भैया 15000, 6 छक्के 15000, 4 लगा चुके ओए, बॉलर वंस अगेन जकी, ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव दैट, लुक एट दैट, ओह माय गॉड, न्यू बॉल प्लीज, 10 के शाजी दे दो अभी, नाम है 10000 देता है मैं,
मालिक एहसान साहब की जानिब से 10,000 पहुंचा दिया मैंने। जकी अहमद राजपूत एमएमटी दुबई ग्रुप मुश्किल में, और फिर जकी अहमद राजपूत ने हमले शुरू किए और एक बेहतरीन पोजीशन में लेकर आए टीम को। और अभी नमाज की बरसात होगी। गेरों के ओनर चौधरी अब्दुल मनान की जानिब से नमाज है 15,000, 1,000, 10,000 अभी मैंने दिया। मलिक एहसान साहब ओनर एमएमटी दुबई ग्रुप की जानिब से 10,000 उनकी तरफ से मैंने अभी दिया है। तो अभी इनामात की बरसात होगी। घेर लिया है वहां पर जकी को वहां पर, और इनामात की जो तफसील है मैं बताता हूँ आपको। स्पॉन्सर्स के लिए मैं कह दूं कि ये लेफ्टी बल्लेबाज सियालकोट से, नाम है इसका जकी राजपूत, जरूर देखिए आप, मजा आएगा आपको। मैं 10,000 दिता सी लाइव दे, मलिक शाह ने दिता सी, ठीक है 10,000 प्लान कर दो। हाँ क्रिकेटर मारती है कभी साथी है, आइए भैन आइए, नहीं आइए शामा पीछे, आइए भैन शामा पीछे, आइए ओनू चला दो मुक्कर वास्ते, ओनू टक्कर वास्ते, आइए नहीं मलक श्री कदम की दुबई ओनर हाजी में सबसे एम एम टी दुबई ओनर मलक शाह एम एम टी दुबई शारजाल तकदीर ओनर मलक हसन शारजाल तकदीर जकी ने छक्के मारे ने बैटिंग की मलक शीक एम एम टी दुबई गिफ्ट कर दिया जी ने। तमाम चाहते क्रिकेट को आपसे बुहारी क्रिकेट कमेंटेटर जो है वो ग्राउंड में कुछ मदद जाता है, और ये सुपर डुपर टूर्नामेंट हमेशा की तरह जो है वो अब की बार जो है वो चलाया गया है। इसका शानदार चौथा सीजन जबरदस्त मुकाबला जात जो है वो इसका सिलसिला जारी है। इंटर डिस्ट्रिक्ट की बुनियादों पर शानदार टूर्नामेंट जो है स्टार ऑफ पाकिस्तान के बॉल क्रिकेट शानदार बल्लेबाज मना लेफ्टी बॉल की बात से ये टूर्नामेंट अपने तमाम रन कमाने को बदलते हुए अपना सफर जारी रखे हुए हैं। तमाम खेलने वाली टीमों को बेस्ट ऑफ गुड लक।
अभी अभी जो परफॉर्मेंस देखी गई है पिछली सेनेट्स में, उसमें दो बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस देखने में आई है। अब्दुल्ला जिन्होंने हैट्रिक मुकम्मल की है और शायद उन्हें क्रिकेट से भरपूर ताज जो है वो वसूल करने के बाद अपना सफर जारी रखा है, जबकि जकी राजपूत एक और यंगस्टर जिसने आओ देखा ना आओ देखा छक्के तो लगाए लेकिन एक ही ओवर में छह छक्के लगाकर तक बिठा दी है। और क्रिकेट के जो पंडित हैं उनकी नजरें उनकी तवज्जो जो है वो खूब मकसूल करवाई है। और मैं हमेशा ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट होती है और वहां पर एक डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, तो इस तरह के जो टूर्नामेंट है ये इंतहाई जो है बिल्कुल इनका जो है वो समर मिलता है, फल मिलता है। और बहुत सारी चीजें जो आज पाकिस्तान ओपन टूर्नामेंट में नहीं आ सकती वो यहाँ से हासिल की जा सकती है। खुलकर मौका मिलता है, सारे ओवर खेलने का मौका मिलता है, सारे ओवर करवाने का मौका मिलता है, मैक्सिमम बॉलिंग करवाने का मौका मिलता है। अप्रिशिएट करना चाहूंगा मैं हरियाणा सियालकोट को इस बड़े अहम मुद्दे पर जो है वो तवज्जो रही है तमाम बॉलर्स की और सभी ने तफा किया है। हमेशा की तरह सियालकोट जो है हमेशा रहता है और ये टूर्नामेंट जो है नए चेहरे जो है उनके लिए बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट है। और ऐसे खिलाड़ी जो नंबर खिलाड़ी हैं उनके लिए भी मैं ये समझता हूँ कि डोमेस्टिक लेवल पर जाकर वो नीचे लेवल पर जाकर वो खेल रहे हैं तो उनको भी फायदा होगा, उनको भी जो है वो अपनी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और क्योंकि यहाँ पर ज्यादा प्रेशर नहीं होता उनको। लेकिन जो नए नाम हैं जो नए लड़के हैं जो उनको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है वो आप लोगों के सामने है। अरे वो देख सकते हैं डंच बनाने हैं यहाँ पर अलामा वैशाल पहुंचो और देखते हैं कि यहाँ पर दोनों खिलाड़ी बल्लेबाज इस तरह का आवाज जो है वो प्राप्त करते हैं। एक तो फिर दिल के आगरा से ले दोस्तों 105 कितना टारगेट है, 104 रन का टारगेट है जी। सामना करेंगे उस्ताम अली सियालकोट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर ये मुकाबला जीतना है यहाँ पर अलामा 11 को तो उनका रहना बहुत जरूरी है। साकि स्पोर्ट्स का बल्ला न्यू एडिशन हाथ में थामे हो, किसी भी दोस्त को ये बल्ला चाहिए वो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर सामान मैच का ज्यादा सर गज लो उसमें डाल देंगे, अगर सामान पर छक्के मार दे भी बार बार मैच में मैच चल रही है मतलब मैं मैच इधर मैच का सर शॉट, ये उस्ताम अली है पहला छक्का, पहली गेंद भरपूर इस्तकबाल वहां पर मलक खिजर कैंट से, इनका ताल्लुक उनका होम ग्राउंड। अच्छा गेंद था, गेंद में कोई खराबी नहीं, गेंद को डिस्पैच किया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, 98 बाकी, 29 गेंदें बाकी, सामने उस्ताम अली सियालकोट। अगला गेंद जी, ओहो ये निश्चित, इस बार गेंद डीप लंगोन के ऊपर से गया है, फील्डर मौजूद हैं लेकिन उसकी कति परवाह नहीं। उस्ताम अली सियालकोट को शॉट में थी ताकत मौजूद थी, खड़े रहे, जानते थे ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगा। दो गेंद दो लगातार छक्के उस्ताम अली सियालकोट, बिल्कुल इससे पहले जो मैचेस खेले हैं उस समय उसमें किस्मत की देवी ज्यादा मेहरबान नहीं रही है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जरा भी मेहरबान नहीं रही है, चाहता ही नहीं खेल पाए। लेकिन यहाँ पर दो गेंदें दो लगातार छक्के उस्ताम अली सियालकोट, खतरनाक खिलाड़ी तो
जकी एक बार फिर सामने डेंजर मैन, यही नहीं जी नहीं जी नहीं, इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग एंटर किया उस्ताद अली सियालकोट ने और गेंद बहुत दूर चैलेंज के लिए। तीन गेंदें तीन लगातार छक्के, तो भाई उधर भी उसका जो हमला होता है भाई खेल आनंद मध्य मुकाबल टीम को सोच करे मजबूर कर देता है। बाहर से जो क्या करेगा चोरी और सबने आना थी 3000 रुपया। अगला गेंद खेजर, आपने बॉलिंग के निशान पर मौजूद सामने उस्ताद अली सियालकोट आए हिजर, ओ हो 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 अच्छा गेंद साजिद, नेट स्लो है तेरा या फिर हेलो नेट स्लो है अच्छी वापसी करने के बाद यहाँ साफ कर ले कैमरा को पकड़िए और 3000 रुपए का इनाम बिल्कुल चेयरमैन। 104 रन का टारगेट है, 12 रन तीन से क्या है नहीं कि दो तीन से क्या है तीन ना है ना बिल्कुल। चार गेंदे 18 बोर्ड पर 104 का टारगेट आमर सोहेल, 9 सेकंड में सामने उस्ताद अली सियालकोट हिजर आए एक बार फिर, ओहो ड्रॉप्ड आसान कैच ड्रॉप किया वहां पर, मुझे लगता है ये मैच छोड़ दिया है, अब क्या करें पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। डी बैक और स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद थे, आसान कैच ड्रॉप किया, इस तरह के कैचेस लेना होंगे। अटक से बालकम जी रेहान लायंस का मुकाबला गुराया 11, दोनों कैप्टन फिल फोर हमारे पास आ जाइए ताकि जो पांच गेंदे 24 रन अगला गेंद उस्तामा खेजर शॉट खेला है गेंद हवा में फील्डर कोई नहीं 4 रन मिल जाएंगे। 28 रन पहले ओवर में 104 के ताकों में बड़ा शानदार आगाज उस्ताद अली सियालकोट का, 4 छक्के 1 चौका, ये क्रिकेट है। 28 रन बनाए गए हैं, याद रहे कि जकी ने भी वहां पर जो आखिरी ओवर था उसमें 36 रन बनाए थे, सो किसी हद तक जो है वो सामान्य बल्कि काफी हद तक जो है जवाबी हमला जो है वो जारी रखा है, मौका जरूर था उसामा से छुटकारा पाने का लेकिन अमर सोहेल सामना करेंगे और उन्होंने कैच को ड्रॉप किया है, क्या ये वाकई सिर्फ कैच ड्रॉप किया है या फिर मैच ड्रॉप किया है। अमर सोहेल आए हैं, हमेशा मेरा ये मानना रहा है कि आमिर सोहेल एक ऑलराउंडर 104 और अगर ये ओपनर आए हैं तो ये किसी भी दोस्त को साकी स्पोर्ट्स का प्लेयर एडिशन चाहिए जो उस्ताद अली सियालकोट यूज कर रहे हैं गारंटी के साथ प्लेयर एडिशन चीज, तो नीचे मैंने अपना नंबर पिन कर रखा है सियालकोट क्रिकेट स्पोर्ट्स के नाम से, दुकान का एड्रेस है मोर समड़ियाल तहसील समड़ियाल डिस्ट्रिक्ट सियालकोट और गारंटी के साथ आपको वही चीज मिलेगी जो उस्ताद अली यूज कर रहे हैं, जो सरमद अमीर जेलम यूज करते हैं, जो बंटू भाई यूज करते हैं, अगर सेम चीज ना हो तो आप वापस कर सकते हैं, मनी बैक गारंटी है जी, कोई दो नंबर ही नहीं है, मेरा पर्सनल नंबर है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, गारंटी के साथ आपको वही चीज मिलेगी जो प्लेयर यूज करते हैं, कोई दो नंबर वाली बात नहीं है, मनी बैक गारंटी है, डिलीवरी फ्री ऑल पाकिस्तान। एक सौ तीन तक जाना जी, माफी चाहते हैं
75 غالباً ابھی بھی چاہیے. چوبیس گیند 75 باقی. اگلا گیند سلور وان اور ڈسپیچ کیا اس کو عامر سہیل نے 6 رنز کے لیے ڈیپ سکوئر لگ کے اوپر سے اور رنز کو اوپر لگ گئے ہیں. 31 بن چکا ہے, معافی چاہتا ہوں 34 بن چکا ہے. وائڈ بال کا اشارہ امپائر متنبہ کر رہے ہیں, وارننگ دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایک چانس تو جو تھا آپ کو دیا جا چکا ہے. دوبارہ سے اگر اس ہائٹ پر, یہ سائڈ سے زیادہ ہائٹ پر بال چلا گیا تو اس کو نو بال قرار دیا جائے گا. عامر سہیل کے پاس بھی ساکی سپورٹس کا وہ پرانا سٹیکر ہے. اپنی پرفارمنس سے خوش نظر نہیں آتے ہیں لیکن خیزر نے آلموسٹ جو ہے وہ آؤٹ کر ڈالا تھا. فیلڈنگ جو ہے وہ ایسے جو پیشن والے میچز ہوتے ہیں اس کو فیلڈنگ کا کردار بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے. چلے آمد اگلے بال کریے ایک دفعہ پھر ہمیشہ کی طرح بھرپور کرا. اگلا گیند جی شارٹ کھیلا ہے, گیند جا رہی ہے تھرڈ مین کی جانب, 4 رنز پھر مل جائیں گے. اچھا گیند تھا, تھوڑا سا لیٹ ہوئے تھے وہاں پر اسام علی سیال کو, لیکن پھر بھی 4 رنز بہرحال مل جائیں گے. رنز چاہیے لاما لیمن سیال کوٹ کو کیونکہ جو مومنٹم بنا رکھا ہے اگر اسی کو مزید اگلی 4-5 گیندوں تک رکھتے ہیں تو بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ آنے والے گیند بازوں پر پڑ جائے گا. لیکن یہاں پر اگر وکٹ چکا دیا جاتا ہے خاص طور پر ڈینجر مین اسام. اگلا گیند جی اسام علی سیال کوٹ اور جی ہاں ینگ مین دا جاب از ڈن اینڈ ڈسٹڈ اور یہ ٹیلنٹ ہے سیال کوٹ کا یار. سلور رن کیا تھا, بہت عمدہ بولنگ اور کیچ ہونے کے بعد اپنے جو جذبات ہیں ان پر قابو نہیں رکھ سکے ینگ مین. ایکسلنٹ بولنگ, ایکسلنٹ فرام ینگ مین. احمد احمد نے سلور ون کیا اور بڑا خوبصورت گیند تھا, اسام علی فلک کرنا چاہتے تھے کلائیوں کے سہارے, اس گیند کو پہنچانا چاہتے تھے ڈیپ لانگ آن کے اوپر سے لیکن نہیں پہنچا سکے. پاکستان میں ٹیپ بال کرکٹ کے میدانوں میں سب سے بڑا نام, سب سے زیادہ ٹورنامنٹس کی کوریج کرنے والے نصیب اللہ لائٹنگ ہاؤس ضلع گجرات مینیجنگ ڈائریکٹر نصیب اللہ مرزا نصیب اللہ بھائی کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم, تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے یہاں پر اپنے خدمات جو ہیں وہ دی ہیں. لیں دوستو میچ ایم ایم ٹی دبئی گروپ کے لیے دوبارہ بن چکا ہے ایک بار پھر سے. پریشر اور جب دباؤ رہتا ہے آپ پر تو اس طرح کے شاٹس دیکھنے کو ملتے ہیں جب پریشر رہتا ہے, تو یہ زیادہ مشکل گیند نہیں تھا. اس کو جو ہے وہ میرا خیال اسکوئر لے کے اوپر سے اٹھانا چاہ رہے تھے بابر میانی. تو جب وکٹ گرتا ہے, جب پریشر آپ پر آتا ہے, جب دباؤ بڑھتا ہے تو اس طرح کے شاٹس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. پتروں سے ٹکرانے والے دیکھتے ہیں کہ اس بڑے اہم میچ میں کیا کرتے ہیں. بولر ایک بار پھر سے احمد. احمد نے ابھی تک بہت متاثر کر رکھا ہے, پھر سے وکٹ آ سکتا ہے, ایک اور وکٹ, دو بڑے وکٹ
Muhammad Ahmed from Chelab. Excellent bowling boy, excellent young man. Bahut umda bowling. ये कोशिश की है सियालकोट ने कि इस तरह टैलेंट को प्रमोट किया जाए, तो उसमें अब तक मैं समझता हूँ कामयाब रही है सियालकोट की जो कमेटी है। बड़ा शानदार, ज़की अहमद राजपूत को देखिए, यहाँ पर मोहम्मद अहमद को देखिए, खिजर को देखिए, एज ए ऑलराउंडर देखिए उनको, तो बड़े शानदार नए चेहरे, कुछ यंगस्टर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। छक्के पे छक्का हमने देखा, लेकिन अहमद को तलब किया गया और अहमद ने जो बॉडी लैंग्वेज है अहमद की वो बड़ी जबरदस्त। अगला मुकाबला रेहान लाइंस वर्सेस गुराया 11 है जी। प्रेशर में बिल्कुल नहीं, जो टीम हारेगी मेरा ख्याल है वो टूर्नामेंट से शायद आउट हो जाए, दोनों खिलाड़ियों को क्योंकि मेरा ख्याल है दोनों टीम्स ने दो दो मुकाबले जीत रखे हैं। और अस्सलाम आदि लेफ्टी हमारे साथ मौजूद, अर्जन भाई कैसे हैं, महर शान भाई कैसे हैं, सियालकोट के जो शायकून हैं इनका ये बड़ा खासा है। और कोई भी टूर्नामेंट हो तो भरपूर तादाद में बहुत अच्छा काम होते हैं, तिल करने की जगह नहीं रहती है, अपने पुत्र मारे नहीं मुझे बात। लेकिन सियालकोट के जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं मैं उनकी तारीफ करूंगा जरूर, क्योंकि इस तरह एक पेज पर आकर मसलसल दूसरा टूर्नामेंट खेलना ये बड़ी बात है। ये एक और बड़ा विकेट हो सकता है हिजर, नो बॉल का रिव्यू है जी। रिव्यू है, अंपायर जो है वो लगता है कि पांव जो है वो कुछ आमिर सुहेल के मुताबिक बाहर है, तो देखते हैं थर्ड अंपायर क्या फैसला करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आउट किया गया था फील्ड अंपायर की जानिब से, लेकिन सकीन अंपायर देखते हैं कि क्या फैसला करते हैं। आउट करार दे दिया गया है यार, अहमद के लिए भी ताली होनी चाहिए। अहमद एक और बड़ा विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, बल्लेबाजों के लिए बड़े इनामात होते हैं। गुलाम अली पलियन वापस लौट गए, अमर सोहेल मौजूद अब तक, और जब तक मौजूद तो वहां पर मौका है वहां पर अलाम अलेवन के लिए। वो कर दिखाया जो मैंने कम से कम पिछले 10-12 सालों में मैंने सुना देखा नहीं है। माजिद डोली ने मेडन ओवर तो किया ही किया, लेकिन 6 की 6 गेंदें बल्ले से नहीं लगने थी, उनको इस जबरदस्त परफॉर्मेंस पर $500 जो है वो उसका इनाम दिया गया था। स्कोर जी भी हमारे इलाके से बच्चे ने वर्क कराया, अच्छा वर्क कराया, छोटे ये मैं कह रहा था कि बॉलर्स के लिए भी जो है वो सब कुछ जो है वो उनके खिलाफ चीजें चल रही हैं। बॉल में गैस भरी गई है, बल्ले जो है वो इस तरह के हैं, लंबी विकेटें जो इस तरह की, जिस तरह की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, तो बॉलर्स के ले जी हिजर को दोबारा बॉल थमा दिया गया है सामने अमर सुहेल उन्हें इनाम में बिल्कुल जो है शॉट खेला है, फिर से गेंद हवा में, क्या एक और विकेट है और अहमद सोहेल भी साथ छोड़ गए। अलामा इलेवन सियालकोट का MMT दुबई ग्रुप ऑन टॉप। ओहो व्हाट्स गोइंग ऑन, ओह माय गॉड, व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। मलक साहब जाग रहे हो, बच्चे वास्ते नाम होना चाहिए यार, मेरी तुहानू परसनल रिक्वेस्ट अगर भेज रहे हो अहमद वास्ते, ठीक है जी। 3 विकेट हासिल की, 3 बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह, अगर तुम भेज रहे हो तो
बिल्कुल मैच ओवर कर दिया मोहम्मद अहमद ने, कह रहे हैं मोहम्मद हसनैन, बिल्कुल सही कहा आपका भाई। सलाम समीला भाई कैसे हैं, अली हमजा भाई कैसे हैं, मोहम्मद इरफान भाई कैसे हैं, क्योंकि बिल्कुल मैं इस बात से मुतफिक हूँ, आसो भाई साहब भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि तमाम तर जो इनामात हैं वो ज़्यादातर बल्लेबाजों के लिए हैं। बॉल में गैस भरी गई है, बल्ले की चौड़ाई देखिए, बल्ले की कोई वहाँ पर कदर नहीं है, कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, बॉल में गैस है। उसके बावजूद अगर उस्ताम अली जैसे बल्लेबाज, गुलाम अली जैसे बल्लेबाज, इस तरह के बल्लेबाजों के खिलाफ एक यंगस्टर अगर अच्छा ओवर करता है तो इनाम के बिल्कुल काबिल, इनाम के मुस्तहिक। शॉट करना चाह रहे थे, लेट हुए, वाह एक्सलेंट बॉलिंग फ्रॉम हिजर, लेकिन सिर्फ एक ही रन के लिए खेल पाए हैं और एक रन के इजाफे के साथ रन की तादाद बढ़ती हुई 41 तक जा पहुंची है। पहले ओवर में 28 रन बनाए गए थे। तो तमाम तर जो चीजें हैं वो इस वक्त तो बैटिंग की फेवर में है। अगर कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग, वो भी इस तरह का यंगस्टर, इतने बड़े मैच में जब डू और डाई मुकाबला है, उस्ताम अली जैसे बल्लेबाज को आउट कर दे तो यही बहुत बड़ी बात है। और वो भी ऐसा नहीं है कि कोई तुक्का लगाए, स्लो रन किया था, ऑफ स्टंप से बाहर ब्लॉक होल में फंस गए उस जाल में उस्ताम अली सियालकोट। मोहम्मद अहमद अब तक मैच ओवर कर गए, हार जीत बाद की बात है, लेकिन बड़ी शानदार बॉलिंग करके वापस लौटे मोहम्मद अहमद अगला गेम। तो इनाम की मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, 10 के शाह जी कह रहे हैं मलिक एहसान जी, मैं देता हूं जी इंशाल्लाह। मैं अब दोबारा अगर लड़का वो आता है सामने, ये समझे आप पहुंच गए उनके पास, वहां पर फील्डर मौजूद, एक्स्ट्रा कवर पे अच्छी फील्डिंग। स्कोर क्या है? सिर्फ एक रन का इजाफा होगा। स्कोर क्या है टोटल? स्कोर टोटल 42 बन चुकी है, 104 रन का टारगेट है। दूसरी इनिंग का खिलाफ अगला गेंद जी, बिल्कुल फैसला महफूज कर दिया है। गामा इतने खतरनाक बल्लेबाज है, खासतौर पर इस ग्राउंड में शॉट किया है, एक और विकेट आ सकता है जी, जी नहीं, इतनी आसानी से मैच हाथ से जाने नहीं दे रही वहां पर एमएमटी दुबई ग्रुप। Rehan Lions won the toss and they are going to bowl first. Bowling ki jayegi, Gama ne ye elan kar diya hai. अगला गेंद जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है यार, मोहम्मद अहमद के लिए 10,000 अनाउंस किया है उन्होंने। लुक एट दैट, एक्सलेंट, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और बुलंद बल्ला छक्का, एक्सलेंट। 48 तक जा पहुंची है, 5 विकेट खोई जा चुके, 48 रन बन चुके, 103 तक जाना है, 104 का टारगेट। अगला गेंद, हाँ इस बार नहीं, इस बार नहीं, इस बार नहीं, सिंगल आ जाएगा, लीजिए 27 और 27 ये रन चाहिए हैं आपको, 2 ओवर में 12 गेंदों में 54 रन चाहिए भेजना यार, विकेट भेज अहमद
अहमद भाई ओवर कराया ना यार, वो कैमरे सामने जाए छोटे जाए तू अहमद तेन कह रहा मलक शाह अहमद की दवाई वाली 10,000 रुपया ऐसे बच्चे ने कैच भी खोला आज अहमद की दवाई ने तकरीबन तकरीबन मैच जरा अगर मैच जीती है सब लोग बन गए उस बच्चे ने पिंड में है जेलेगा बच्चा 10,000 रुपया मलक शाह अहमद की दवाई उस बच्चे को ला दे जरा जल्दी करना किनारे आ गया भाई किनारा है जुबैर 54 12 गेंदे 54 बाकी द गेम इज नॉट ओवर अगला गेंद शॉट खेला गेंद जा रही डीप लॉन्ग ऑन पे मलक जी पहुंच गया जनाब आपका 10,000 अहमद को भी पहुंच चुका है और 10,000 जकी अहमद राजपूत 20,000 का ऑनलाइन यानी कि लाइव पे अनाउंसमेंट की थी मलक साहब ने 10,000 जकी अहमद राजपूत और 10,000 अहमद के लिए शानदार खेल पेश करने पर ये और ये मत भूलें कि ये डू और डाई मुकाबला था अगर मैच हारती टीम तो टूर्नामेंट से आउट हो सकती थी बोलो एक बार फिर से राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन मौजूद है लामा लामा सियालकोट की जानिब से शॉट खेला हेलो एंड गुड बाय द गेम इज नॉट ओवर Absolutely brilliant, more than 100% connected into the middle of the bat for a maximum. Ek aur chakka. 47. 10 गेंदे 47 सुबह मैं बात कर रहा था 10 गेंदे जिन मकासद के लिए करवाया जाता है 47 बॉलर एक बार फिर यहाँ पर मिल गए हैं ओहो जी नहीं ये मैच बनने की तवक्को है 9 गेंदे 41 रन चाहिए ओहो ओहो मैच का मजा आएगा दोस्तों मैच का मजा आएगा ये टैलेंट है सियालकोट का एक्सलेंट टैलेंट फ्रॉम सियालकोट दर्रे खान ही कैन बैट ही कैन चेंज द मैच दर्रे खान बॉलर एक बार फिर आए स्लोर बन किया था लूज बॉल था इस बार नहीं जो है वो टाइम कर सके प्रॉपर और जब आप पर दबाव रहता है जब रन ज्यादा हैं बॉल्स कम है तो इस तरह के शॉट्स देखने को मिलते हैं आपको बहरहाल धरे हाँ बड़ा शानदार मुजाहमत कर रहे हैं जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी ऑलरेडी बहुत गैर लेवल ने क्वालिफाई कर दिया है और दूसरी रो वाले 40 रन अभी भी चाहिए हैं 8 गेंदे बाकी हैं आठ गेंदे 40 बाकी 7 छक्के तो लगाना होंगे 6 छक्के भी गालबन काम कर सकते हैं आए बॉलर वंस अगेन हाँ अच्छा गेंद है अभी 5 टीमें हैं जैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है 39 बाकी 2 टीमें जो है वो 7 गेंद 39 बाकी करेंगी और एक टीम जो है वो ऑलरेडी सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है सबसे ज्यादा मैच जीतने के बाद अलहम 11 सियालकोट को हराना कभी भी आसान नहीं रहा किसी भी टीम के लिए और उसी तरह से मजामत जारी वहां पर तर्रे खान की भी जीत जाएगी वो दूसरी टीम होगी सेमीफाइनल्स के लिए सो मौका है आखिरी यहां पर अलहम 11 सियालकोट के लिए अगला गेंद जी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मलक शवेद साहब कह रहे हैं 30 कदम पर कौन सा टैलेंट अच्छा सर आप सर तशरीफ लेकर आए कल मेरी तरफ से आपको दावत है अगर 30 कदम का विकेट हुआ तो जो आप कहेंगे जनाब वो उसके लिए हाजिर 23 कदम का विकेट है ठीक है सर एंड ऑफ द ओवर 6 गेंदें बाकी हैं और रन की जो तादाद है
वो हो गई है। क्या खूब कहा है किसी अकलमंद ने, पहले सोचो फिर बोलो, या फिर पहले तोलो फिर बोलो। ठीक है, आपको पता ही नहीं है तो फिर आप क्यों आप किस तरह की बात कर रहे हैं। बॉल जो है वो नहीं रखी जाएगी, वरना फिर इसकी उम्मीद होती है। जैसे कि आपने देखा था कि उगोकी के मैदान पर छोटा विकी ने कल फाइनल ले आया जी गेयर ऑन सीजन 4 का। हसीद को बॉल थमाया गया है, हसीद को बॉल थमाया। 6 गेंद 41 बाकी हैं जी। समाता है यहां पर एक और फिर शॉट खेला है और गेंद हवा में, फील्डर नीचे हैं और 6 रन मेरे ख्याल मिल जाएंगे। 6 रन जी, 32 दरकार है 5 के दे, 5 गेंदे 32 रन, नो बॉल वाइड बॉल जो है वो बिल्कुल इफेक्टिव होंगी यहां पर। नो बॉल की तलाश है अलामा 11 सियालकोट को। आवाज बड़ा शानदार किया गया था उसामा ने खिलाड़ी से, अमित सुहेल ने भी पहली गेंद पर छक्का लगाया था लेकिन तमाम तर क्रेडिट। अगला गेंद शॉट खेलना चाह रहे थे, लेट हुए इस बार दर्रे। हाँ बिल्कुल भी टाइम शॉट नहीं, मैच छोड़ चुकी है अलामा 11 सियालकोट। कुछ इंटेंस शो किया गया है इस चलेगी रेहान लायंस की जो टीम है वो फील्डिंग पर चाहिए। टाइम का ख्याल रखना, हमारी कोई डिमांड नहीं आपसे, सिर्फ ये डिमांड है कि आप टाइम को बचा लें। दोस्तों मैच फिनिश हो गया जी, थैंक यू सो वेरी मच अलावा 11 टीम चौधरी अब्दुल मनान लेफ्टी भाई की जानिब से आपका शुक्रिया अदा किया जाता है कि आपने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, आप यहाँ पर आए, आपकी आमद हमारे लिए बासी साथ इत्तेहार, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चले जी चले, रिहान लाइन्स के जो फील्डर हैं वो बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर चले जाएं ताकि अगला मैच जो है वो बिल्कुल उसको शुरू किया जाए। अगले मैच की पहली इनिंग्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, वॉइस में बदलाव, माइक जाएगा।